नीतीश महाजन मेमोरियल ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन सुजानपुर में 1 अक्टूबर को मध्य मैदान कला मंच पर होगा। दिशा फाउंडेशन के सौजन्य से करवाए जा रहे इस रक्तदान शिविर में अधिक से अधिक ब्लड इकट्ठा करके मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में जमा करवाया जाएगा। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर की विशेषज्ञ टीम की अगुवाई में ये कैंप आयोजित किया जाएगा। दिशा फाउंडेशन सुजानपुर संस्था के पदाधिकारी ने इस कैंप के आयोजन को लेकर विस्तृत जानकारी दी। संस्था के महासचिव रमन धीमान ने बताया कि नीतीश महाजन मेमोरियल ब्लड डोनेशन कैंप का ये 5वां वर्ष है। हर साल इसका आयोजन होता है और दर्जनों यूनिट ब्लड एकत्रित करके प्रतिवर्ष ब्लड बैंक हमीरपुर में जमा करवाया जाता है। कल सुजानपुर में हम ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसका सारा का सारा कार्यभार जो है दिशा फाउंडेशन ने संभाला हुआ है। और ये ब्लड डोनेशन कैंप हमारे एक परम प्रिय मित्र जो कि अब हमारे बीच नहीं है, जिनका नाम नीतीश महाजन वार्ड नंबर 1 से वो बिलोंग करते हैं, उनकी यादगार में हम ये हर साल ब्लड डोनेशन कैंप करवाते हैं। और पिछले 4 साल से हम ये ब्लड डोनेशन कैंप करवा रहे हैं, बट इस बार कोरोना की वजह से थोड़ा सा इसको हमने लिमिटेड सा रखा हुआ है। इसका सारा का सारा आयोजन जो है कला मंच पे किया जाएगा। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा जाएगा। और इसके लिए हमीरपुर से ब्लड डोनेशन जो कलेक्शन टीम है वो डिस्ट्रिक्ट जो हमारा हॉस्पिटल है वहाँ से कल पहुँच रही है। तो तकरीबन 10 बजे ही शुरू हो जाएगा और उसके बाद जितने भी लोग वहाँ पे अपना रक्तदान करना चाहें वो कर सकते हैं। हमारी जो सारी की टीम जो पूरी की पूरी 20-25 लोगों की टीम है वो वहाँ पे ब्लड डोनेशन के लिए अभी तैयार है। बाकी भी और जितना भी यूनिट्स हम मैक्सिमम वहाँ पे डोनेट करवा पाए, हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करवा दें। युवाओं से यही अपील रही कि वो बढ़ चढ़ कर रक्तदान करें, क्योंकि इस कोरोना महामारी में अभी काफ़ी लोग जो हैं बीमार हो रहे हैं, कई लोगों को ब्लड की ज़रूरत पड़ रही है, बट ऐसा कि हॉस्पिटल्स में स्थिति ठीक नहीं है, तो उनको आगे आके रक्तदान करना चाहिए। इस बार मेन मुख्य आकर्षण का जो केंद्र रहेगा वो इस बार जो हम उपहार देंगे अपने डोनर्स के लिए वो हमने एक सैनिटाइजर और एक मास्क की किट बना के उनको एक उपहार के स्वरूप में दिया जाएगा इस कोरोना काल में।